हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग मी अगेन कृतिका हेयर। आज आप सबके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ पतले छोटे बालों में आसान हेयर स्टाइल। सिर्फ 2 मिनट में आप अगर कहीं भी जा रहे हैं पार्टी में, दुर्गा पूजा में, या फिर जैसे कि अभी फेस्टिवल बस स्टार्ट हो चुके हैं तो आप हड़बड़ी में बहुत, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं। साथ ही आज की जो हेयर स्टाइल है इसे हम सिर्फ बॉबी पिन की हेल्प से करने वाले हैं, कोई गैजेट कुछ अलग से हम यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 6-7 बॉबी पिन ले लिए हैं और सबसे पहले हम हेयर में कॉम करेंगे। और आज की जो हेयर स्टाइल है वो साड़ी के लिए है। आप इस तरीके से साड़ी पर, या फिर आप कोई लॉन्ग गाउन पहन रहे हैं तो आप उसके साथ भी इस तरीके का हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाफ हेयर में इस तरीके से कॉम करके उनको इस तरीके से मैं हाफ पार्टीशन करके और थोड़ा सा उसको वॉल्यूम दे रही थी, लेकिन मेरे बालों में आज शैम्पू नहीं हुआ है, इसकी वजह से थोड़े से चिपचिपे हो रहे हैं, क्योंकि बाल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मेरे हेयर जो है ऑयली है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बालों को थोड़ा हाथ में उठाते हुए इस तरीके से हाफ पार्टीशन कर लिया है। साथ ही आप फ्रंट से थोड़े से हेयर इस तरीके से कुछ निकाल देंगे, तो मैंने यहाँ पर साइड में थोड़े थोड़े हेयर निकाल दिए हैं और कान के पास से भी हम थोड़े से निकाल लेंगे। इन हेयर को हम बाद में कर्ल कर सकते हैं या फिर आपको जैसे भी पसंद हो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो हेयर को हाफ करके मैं यहाँ पर इस तरीके से ट्विस्ट कर रही थी, लेकिन ट्विस्ट करने से क्या होता है कि अगर हम, जैसे मैं साइड में मांग निकाल के अपने हेयर में कॉम करती हूँ तो वो चीज़ जो है हेयर में एक सेट हो जाती है। तो अभी यहाँ पर हम उसे हाइड करेंगे और थोड़े से हेयर में इस तरीके से वॉल्यूम देते हुए बॉबी पिन की हेल्प से हमने जो हेयर ऊपर की तरफ उठाए हैं उन्हें हम सेट कर लेंगे। और अभी मैंने छोड़ दिए हैं तो अभी सेट हो चुके हैं। 2 से 3 हम यहाँ पर पिन अटैच कर देंगे जिससे कि हेयर हमारे अपनी जगह पर सेट रहे। और इसके बाद हम थोड़ा सा बालों को पुल करते हुए बाहर को इस तरीके से वॉल्यूम देंगे जिससे कि आपका जो फ्रंट की हेयर है वो चिपके चिपके ना लगे, वो थोड़ा सा बालों में वॉल्यूम नज़र आए। तो इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे पीछे के जो हेयर हैं, ये मेरे बहुत लंबे नहीं हैं, छोटे से ही बाल हैं और पतले भी हैं, तो हम इनको हाफ इस तरीके से पार्टीशन कर लेंगे, हाफ हाफ। और उसके बाद हम दोनों साइड के बालों को लेते हुए इस तरीके से बालों में ट्विस्ट कर लेंगे और जो हमारा बन बनने वाला है बहुत खूबसूरत बनने वाला है, बहुत ही मैसी बन बनेगा और इतना इजी एंड क्विक। अगर आपने पहले ही देखा हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और आपको भी आई होप बहुत पसंद आएगा। नीचे की तरफ हम यहाँ पर एक पतली सी रबर बैंड लगा लेंगे और हम हेयर को ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसको हम थोड़ा लूज़ रखेंगे, टाइट हमें नहीं रखना है क्योंकि हमारे हेयर बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है। और हम यहाँ पर हेयर में इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए यहाँ पर जो हमारा एंड वाला पार्ट है इसे हम सबसे अंदर बन में दबाते हुए अब हम बॉबी पिन ले लेंगे। बॉबी पिन की हेल्प से हम यहाँ पर जो हमारा बन है उसे हम सेट कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी जितना अच्छे से आप बॉबी पिन से अपने बन को सेट कर सकते हैं, जूड़े पिन से उतने अच्छे से नहीं होता है। और आप चाहें, अगर आपको बहुत बड़ा बन चाहिए पीछे से, तो फिर आप यहाँ पर डोनट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हड़बड़ी में कुछ गैजेट यूज़ करने की इच्छा नहीं होती है, या फिर आप इसके ऊपर 2 से 3 गजरा लगा सकते हैं। तो ये हमारा इजी एंड क्विक हमारा हेयर स्टाइल बनके तैयार हो चुका है। तो मैं आपको बैक से भी दिखा देती हूँ, साथ ही आप यहाँ पर कोई फ्लावर अटैच कर सकते हैं और मैं आपको बैक से दिखा दूँ, जो कि बहुत अमेजिंग हेयर स्टाइल हमारी बनके रेडी हुई है। आप इसे साड़ी पर, लहंगे पर, तो कैसी लगी आपको मेरे साथ ज़रूर शेयर करना।